हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द कार ऑटो शो। फोर्ड अपनी नेक्स्ट जनरेशन इको स्पोर्ट का फेसलिफ्ट वेरिएंट इंडिया में लॉन्च करने वाला है और जिसकी टेस्टिंग इंडिया के अंदर जोरों जोर से चल रही है। फेसलिफ्ट इको स्पोर्ट के अंदर यूज किया जाएगा बी प्लेटफॉर्म, जिसके अंदर यूरोपियन एनसीएपी में इको स्पोर्ट को 5 में से 4 स्टार ग्लोबल एनसीएपी में क्रैश टेस्ट रेटिंग मिली है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। फोर्ड अपनी फोर्ड एंडेवर का नेक्स्ट जनरेशन वेरियंट लॉन्च करने वाला है, उसी तरीके से फोर्ड अपनी इको स्पोर्ट का नेक्स्ट जनरेशन वेरियंट फेसलिफ्ट लॉन्च करेगा। फोर्ड अपनी कार्स के अंदर 40% ऑफ टाइटेनियम का यूज करता है और फोर्ड एंडेवर के अंदर भी 50% ऑफ टाइटेनियम का यूज किया गया है। उसी तरीके से फोर्ड इको स्पोर्ट फेसलिफ्ट के अंदर भी टाइटेनियम का यूज किया जाएगा। फोर्ड इको स्पोर्ट लॉन्च होते ही सब कॉम्पैक्ट एसयूवी के सेगमेंट में कॉम्पीट करेगी मारुति ब्रेजा, रेनो की काइगर, निसान की मैग्नाइट और हुंडई की वेन्यू, एक्सयूवी 300 और टाटा की नेक्सॉन और किया की सोनेट और टोटा की अर्बन क्रूजर को। और इसके अंदर मिलने वाला है आपको 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन। इसके अंदर वही सेम इंजन ऑफर किया जाएगा जो इंजन एक्सयूवी 300 के अंदर आता है। इसके अंदर पावर मिलती है अराउंड 129 bhp की और 230 nm का टॉर्क मिल जाता है और यह इंजन 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ मिल जाता है। और अब बात कर ले एक्सटीरियर में मिलने वाले कुछ बदलावों के बारे में। इसके फ्रंट बम्पर में आपको और जो इसकी ग्रिल काफ़ी बड़ी दिख रही है और इसके फ्रंट बम्पर में आपको एल शेप LED लाइट्स देखने को मिल रही है और इसकी डे टाइम रनिंग लाइट्स को हेडलैम्प्स के नीचे शिफ्ट किया गया है, जो एक उल्टे एल की शेप में इसको रखा गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कूल सी लग रही है। और इसके फ्रंट में आपको एक फॉग लैंप भी देखने को मिलेंगे। और आप इसके रियर प्रोफाइल की बात करें तो इसके रियर में और इसके साइड प्रोफाइल में आपको सिर्फ और सिर्फ न्यू शेप के अलॉय व्हील देखने को मिलेंगे। इसके रियर में किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं किया गया है। और अब बात कर लें इसके इंटीरियर की, तो इसके इंटीरियर में ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं किए गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे बदलाव हैं जो इको स्पोर्ट के अंदर किए गए हैं। जैसा कि इसके अंदर आप देख सकते हैं रीडिजाइन डैशबोर्ड मिल सकता है और इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में बदलाव किया जाएगा और इसके अंदर आपको वायरलेस चार्जर, क्रूज कंट्रोल और इसके अंदर आपको लेदर अपहोल्स्ट्री का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा और इसके इंटीरियर में आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। और अब बात कर लें इसमें मिलने वाली सेफ्टी के बारे में, इसके अंदर आपको मिल जाता है ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, रियर पार्किंग कैमरा, रियर सेंसर, क्रैश सेंसर जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। नेक्स्ट जनरेशन फोर्ड एंडेवर आपको 2021 के एंड में देखने को मिल सकती है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे।